काफी माफी भी मिलेगी। हम रहते हैं आप लोगों के जेल से शुरू हो जाते हैं। अपनी खवातीन को वो शहजादों की तरह रखते। अच्छा, ये डॉक्टर बिल्किस जो है ये बाकायदा चित्राल से इनका ताल्लुक है, ये उस इलाके की है और गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन बड़ी मेहनती होती हैं, बहुत काम करती हैं। डॉक्टर बिल्किस ये है भाई इब्लीस। कभी भाई नहीं होता। आज का दिन मेहमान है ना, इसलिए कह रहा हूँ। आज सही जवाब मिला, वो भी बिल्कुल शेर पे सवा शेर। बिल्कुल सही, इब्लीस पे डॉक्टर है ना। हमने शेर पे सवा शेर नहीं कह दिया। नहीं नहीं क्यों बोले, शेर तो बाद में बोलेंगे आपके लिए, आपके पर के लिए। अच्छा जी, तुम्हारे दोनों की लड़ाई लंबी है, तो बार बार ये कुर्सियां। रस्में जो हैं वो हर इलाके की तरह यहाँ पर भी खास होती हैं, लेकिन एक चीज अभी मैं पढ़ रही थी और हसन हसरत साहब जिन्होंने कि लिखा है बल्तिस्तान की तारीख के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी किताब में जो मैं लिखा हुआ उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। बल्तिस्तान में जब शादी होती है तो बारात लड़का लेके नहीं जाता है, लड़की लेके जाती है। और क्या मॉडर्न ये कॉन्सेप्ट है ना कि लड़की वाले लड़की और बारात लेके लड़के के घर जाते हैं, वहाँ शादी होती है और फिर लड़की जो है वो वहाँ पे रहती है। लड़की घर जाके घर के काम करती है और लड़का जाके सारी सफाइयां करता है, ये तो यही चल रहा है। अच्छा, अब रस्म क्या करने लगे हैं? अच्छा, जैसे जैसे मतलब कि हमारे यहाँ बरकत के तौर पे जैसे ही आते हैं दूल्हा दुल्हन, तो क्या करते हैं कि आटा लेके, ठीक है, उसको जैसे पहले राइट कंधे पे डालते, सीधा शोल्डर, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह फेंकते हैं थोड़ा हल्का सा, और ये इसको शगुन माना जाता है, ठीक है, बस ये है असल। उसके बाद लाके बिठाते हैं, नहीं तो थोड़ा क्यों लड़के के कंधे पे किलो पाव एक साइड पे, बेहरमती नहीं करते ना, रोटी नहीं, हल्का सा शगुन के तौर पे हल्का सा, अच्छा, कि बरकत आई है, गंदम है, गंदम को हम लोग ट्रेडिशनली। और कहते हैं लड़के के सीधे कंधे पे भी डालते हैं, लड़के के भी डालते हैं राइट शोल्डर पे, हल्का सा टच करके हल्का सा इस तरह, ठीक है, ठीक है। नहीं थोड़ा थोड़ा ज्यादा डाल देना, कन्ना चक्रबत्तियां ला दो। अच्छा चलो, ये तो एक होगी रस्म के शगुन के लिए, कि अल्लाह करे कि जो नई आने वाले ये जो जोड़ा है इनकी जिंदगी में रिस्क की कमी ना रहे, रिस्क की कमी ना रहे, बरकत रहे और आपस में इनका मोहब्बत प्यार मोहब्बत बढ़ता रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आटा बाइंडर के तौर पे काम करता है, जोड़े जोड़े रखेगा ना, रिस्क हमेशा बाइंडर के तौर पे काम करता है। जिनका लड़ाई होता है उन्होंने आटा नहीं डाला होता, उनके घर में उमन आटे दाने की कमी होती है। ज्यादातर लड़ाइयाँ जो है पैसे की कमी से होती हैं। आपको पता है एक दफा एक बुजुर्ग से पूछा गया कि ईमान के कौन से अरकान है, उन्होंने कहा पहले रोटी उसके बाद बाकी सारी, यानी अगर इंसान के पास रोटी ना हो तो उसकी हर एक चीज जो है। अच्छा, ड्रेसेस का बताएं, हम सब ने पहने हुए हैं कल्चरल ड्रेसेस, ये टोपी आपकी कल्चर का बहुत, मैं इसको भी पढ़ते हैं, हाँ, बल्तिस्तान पे थोड़ी सी अलग सी होती है, गिलगित की ये वाली होती है, अब तो मतलब काफी मॉडर्न हो गए मोतियों के साथ सबके साथ, लेकिन आपने सही तरीके से वो पहना। हाँ। अगर मैं पहनूंगी तो सर टोपी के ऊपर, फिर दुपट्टा, टोपी के ऊपर। अच्छा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये मैंने गूगल पे काफी सर्च करके एफर्ट के साथ ही, ये वॉरियर लग रही है तुम, लग रहा है अभी तुम जंग लड़ने जा रहे हो। मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियों ने जो है ना ये कैलाश वाला है, कैलाश वाला प्यारी लग रही हो, रिज आप फिरौन के दौर दी तू ना, लड़की लग रही है मेरा, कैलाश वाला देखिए, ये वाली टोपी भी मिल जाएगी, देखिए मुझे लड़ने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, मेरी अखियां ही काफी है जो अखियों से गोली मारे। और कपड़ों में बड़ी सादगी होती है और हाथ की कढ़ाई ज्यादा होती है, हाथ से कढ़ाई की भी चीजें ज्यादा होती है। बल्तिस्तान की तरफ थोड़े फ्रॉक वगैरह का रुझान है, लेकिन हुंजा गिलगित चित्राल वहाँ पे शलवार कुर्ता, और पहले के जो शलवार कुर्ते कॉलर वाले होते थे और जेब जरूर होती थी। अच्छा, लेकिन ये जो मैंने पहना हुआ है ना, इसके ऊपर तो इतने सिक्के लगे हुए हैं और इतने पुराने सिक्के, मेरी पैदाइश से भी पहले के सिक्के हैं, पता है? हाँ। अब इस सिक्के के ऊपर डेट पढ़े आपके, ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर क्या तारीख लिखी है, पढ़े, डेट भी है। हाँ, डेट है बाकायदा, ये सिक्का जो है किसी 1949 दो साल बाद बनता है। सिक्के जेवर के शक्ल में, अंगूठियाँ या कपड़ों में ये ज्यादा डाल है। अच्छा, मुझ पे अटैक कर रहे हो, वो भी डायरेक्टली सोच लो, रिस्क तो बड़ी प्यारी है। मैं भी छोटे होते बड़े सिक्के इकट्ठे करता था। अच्छा, फिर एक बार मेरे अबू पता लग गया मेरे यह चोरी करता। हम सबकी
मेहनत आपको अच्छी लगी। बिल्कुल सही, लेकिन चूंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती तो आई विश हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन चूंकि इलेक्शन के दिन थे ज्यादातर लोग गिलगित बल्तिस्तान गए हुए अपने वोट कास्ट करने के लिए और वो अभी आ भी नहीं रहे थे, तो जो सकाफती ताइफे जो इनके डांस और रक्स है वो मखसूस है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसे इमिटेट करने की यहाँ पे, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से रक्स किया जाता है। डॉक्टर बिल्कीस हमें सारा कुछ बताने वाली हैं अगले जो हम प्रोग्राम के आगे चलेंगे। यहाँ पे रहने वाले लोगों की उम्रें सबसे ज़्यादा तवील होती हैं, कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिसकी अमूमन 100 साल से कम उम्र हो, सारे बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, रंग बड़े इनके दहकते हुए बड़े गुलाबी लाल गुलाबी खुबानी की तरह के होते हैं, खुबानी इनकी जिंदगी में बड़ी ज्यादा शामिल होती है और आजकल खुबानी इन सीजन भी है। तो डॉक्टर बिल्कीस हमें बताएंगी कि हमने कैसे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरह खुबानी जो है उससे अपनी खूबसूरती को बढ़ाना है और उसमें इजाफा करना है। ऐसे नहीं कहते आप, ऐसे कहते जी खवातीनो हजरात डॉक्टर बिल्कीस साहिबा हमें वहाँ के कल्चर के बारे में बताएंगी और इस बच्चे को किन्ना यरकान है ये भी बताएंगी। ये तमाशा है, ये बाकायदा जैसे हमारे यहाँ मेहंदी की रात होती है शादी से पहले, तो सारे लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होके घर के अंदर, लड़कियाँ अलग अपने अंदरून जिसे कहते हैं जनान खाने में और लड़के अलग एक महफिल से जाते हैं जिसमें डांस किया जाता है, रक्स किया जाता है और इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है खुशी को। हम आ गए हैं किचन में जहाँ पर आज हमें हर्बलिस्ट हमारी जो है डॉक्टर बिल्कीस वो बताएंगी, चूंकि इनका अपना ताल्लुक इस इलाके से, कि क्या खाते हैं ये लोग कि इतने सेहतमंद, इतने जवान, इतने लंबे अरसे तक इतनी तवील उम्रें होती हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर एक तो प्योरिटी है, घर में ही घी बना के घर में ही सब कुछ करके बनाया जाता है, ठीक है। और जैसे हमने रिस्क की इज्जत की बात की, रोटी की इज्जत की बात की, तो दो तरीके की रोटियाँ बनती हैं, एक जो है एक जो बनती है वो उसके लिए बनती है जैसे शादी ब्याह वगैरह के लिए बनती है, तो अजती अजाकू कहते हैं अलग अलग, इसमें तीन है ना, शीना में अलग है, उसमें अलग है, हमारे उसमें अलग है, बल्ती शीना ख्वार ब्रोशेस्की गुजाली इतने सारे बोले इतने सारे डायलेक्ट हैं जो बोले जाते हैं। तो हम लोग तो वैसे ब्रेड बोलते हैं तो वो लोग अलग बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, कोई अजाकू बोलता है कोई अजाकी बोलता है, अलग अलग नाम है। लेकिन ये एक रोटी जो है जी, दो अलग अलग रोटी, कुलचा भी कहते हैं जी, कुलचा भी कहते हैं जी, बिल्कुल। इसको बेक किया जाता है वहाँ पे, तो बेक इसको बहुत, ये वाला तो बड़ा आसान होता है, इसको बनाने का तरीका ये कि आपने वो लिया, क्या नाम है, आटा लिया, आटा में नमक डाला, एप्रिकॉट का पहले ऑयल डालते थे, जो आप कह रही कि उम्र क्यों बड़ी होती थी वहाँ पर, क्योंकि खुबानी वाफर मकदार में, तो उसका तेल बना के रख लिया जाता था। हम भी अगर खुबानी खाएं उसके बीज निकाल निकाल के या खा लें या तेल निकाल के, हाँ बिल्कुल, उसको सुखा दे, सुखाने के बाद उसमें बहुत अच्छा सा तेल निकल आता है जो आपकी ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है और साथ में खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो मारने के काम भी आ सकता है। अच्छा वैसे ऐसी ना रोटी कहने या ना ब्रेड कहने, असि इन्हें कहने अम्मी पहले मेनू दे दे भूख लगी। तो ये दो अलग अलग रोटियां बनती है, ये किस चीज की बनती है, गंदम की बनती है और इसे खाया जाता है, ये बिल्कुल खाया जाता है, ये अलग है, ये मैदे से बनती है, ये मैदे से बनती है, ये मैदे से बनती है, ठीक है। इसका बनाने का तरीका मैं बता देती हूँ, आपने मैदा लेना है, ठीक है, आधा कप आपने अगर मैदा लिया है तो आप उसमें खुश्क दूध जो है आधा कप ले, मतलब एक कप आधा किलो मैदे में आपने आधा कप जो है आधा केजी में आपने खुश्क दूध एक कप डालना है, ठीक है। इसमें चीनी भी पीस के डाले तो ज्यादा अच्छा है, वो आपको मीठा कितना खाना उस हिसाब से, ठीक है ठीक है। एक कप आप ये वो रिवाइटी जिसे हमने कहा ना कि दूल्हा एंटर होता है तो ये साफ वाले खाए बगैर नहीं आएगा, ये वो रोटी है जो और बना के जो है दुल्हे वाले जो है पहले दुल्हन वाले के घर पे बेचते भी हैं और बहुत बड़ी रोटी बेचते हैं, जो 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 दुल्हन के घर वाले थोड़ा थोड़ा करके सबको देते हैं, अगर जिनको दिया जाता है तो ये वो जो है बारात दुल्हन के साथ दोबारा जो है दूल्हे के घर जाते हैं। अच्छा समझ आ रही मुझे समझ। इसका जो है आपको क्या लग रहा है, आप ड्राई फ्रूट की दुकान नहीं, पे नहीं, मैं गौर से सुन रहा हूँ आप ही की बात, आप ही जेन तेज और बादाम खावांगा तो जेन तेज होएगा, आपका जेन तेज करने की कोई जरूरत नहीं। आप बाजी ये झूठा है मैंने दे। अच्छा इसमें दही, दही में भी गूंथते हैं और मक्खन में भी, इसमें दही भी डालते हैं मक्खन भी डालते हैं और नमक भी डालते हैं और अंडे भी डालते हैं, ठीक है सही। ये नहीं घर जो पिया है पा दी सराने पा दो बिस्तरे बड़ा मुंडा चुके पा दो, ठीक है। इन सबको फिर गूंथ लिया जाते हैं, गूंथने के बाद जो आपको शक्ल देनी है आप उस शक्ल में बना बनाए बनाए आप बाजी बनाए भाई साहब,
بکواس کر رہے کہ باورچی خانا ہے باجی مسرت ادھر آ جا منڈیا بدتمیزی کرو نا اس طرح پکڑ کے اس طرح کھا رہے بدتمیزی ہوتا ہے آؤ چلے آپ بنائیں باجی انہوں نے آٹا گوندھ لیا میدا جس میں جتنا میدا آدھا کلو میدا ہے آدھا کپ خشک دودھ ہے مطلب ایک کپ آپ اس میں چینی ڈال دیں آپ نے نمک حسب ذائقہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس میں دہی انڈا اور گھی دیسی گھی اس سے اس کو گھولنا ہے ٹھیک ہے اس میں پانی نہیں پڑے گا یعنی تھی چاہتے ہو فرا جی بنا سارے گھر کدی نہ پکے زندگی دیسی گھیو میں کتوں لیا وا تائے کا گردا بیچ کے لیا وا دسو اگر گھر میں مکھن ہوتا ہے اس کو پگلا دے تو دیسی گھی بن جائے گا وہ گاؤں میں ہوتا ہے ہم شہر میں رہتے ہیں ادھر کدھر سے آ گیا مکھن اچھا جنہوں نے کھانا ہوتا ہے اتنے زیادہ تو زیادہ سڑک پہ موبائل ہوتا ہے ادھر تو تلکنا پہنتا ہے اچھا اس کو گوندھنے کے بعد آپ ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں تاکہ ساری چیزیں آپس میں مرچ ہو جائیں پھر آپ اس کو جو بھی شکل دینا چاہیں اس شکل میں آپ اس کو جو ہے گھی میں تل لیں جی پریشان نہیں کرنا چاہے جو آپ لوگ پیتے ہیں ہاں ہم نمک والی چائے اس طرح پیتے ہیں میں خود بھی آج تک نمک والی ہی چائے پیتی ہوں اس میں میں ڈالتی ہوں ادرک دار چینی اور جیسے چائے کی پتی ڈال کے ابال لیا اس کو چھاننے کے بعد اس میں پنچ نمک جو ہے یار میں کیا کہاں لے جاؤں ان ساری چیزوں یار روڈ کی تو میں دیوانی ہوں لیکن چائے کی ریسیپی یہ میں سنبھالتی ہوں نہیں بس پھر جو ہے اس میں نمک ڈال کے پی لیتے ہیں دو طرح کی چائے ہوتی ہے صدقے دے گئی نا تھا اچھا ڈاکٹر میں ہمیشہ پوچھتی ہوں پوچھتی بھی ہوں جیسے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے اور نمک کے کہتے ہیں کہ جی نمک کم کرنا چاہیے تو ماشاء اللہ کسی کو بھی بلڈ پریشر نہیں ہوتا ہے وہ نمک نہیں کرتا نہیں بالکل ارے آپ کو پتا ہے ان لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے آپ کبھی ان پہاڑی راستوں پہ گئی ہیں آپ وہ کتنا چلتے ہیں کس طرح کی زندگی ہے ان کی اور میں نے تو اتنے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں ڈاکٹر بلقیس جتنے پاکستان کے ٹاپ کو پیما رہے ہیں ان سب کو انٹرویو کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا الحمدللہ اور کیا لوگ ہیں کتنے محنتی کتنے جفا کش اور آپ نے ایک چیز بتائی جیسے پتھر لے کے نا بازو کا پتھر ہے نا پتھر کے اوپر بھی آٹا ایسے لگا کے بنا کر اس کو بھی آپ تندور میں ڈال کے پکاتے ہیں اور وہ بھی ایک روٹی بنتی ہے بالکل بالکل یہ والی روٹی جو ہوتی ہے ہم اسی طرح بناتے ہیں اس کا ہم یہ کرتے کہ اس میں ہم گھی نمک اگر انڈا کسی نے ڈالنا ہے ڈالیں اگر بہت اچھا بنانا ہے تو پھر ہم اس میں ڈرائی فروٹس بھی شامل کرتے ہیں اس کا آٹا گوندھنے کے بعد اس کو بڑا سا پیڑا بنا کے تو میں یہاں کے لیے کوکیز جیسے یہاں کے لیے کوکیز اتنے بڑے بڑے بنا کر جیسے اس کے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ اس کے لیے مخصوص چیزیں ہوتی ہیں آپ سمجھ لیں کہ اس کا اگر ہینڈل ہٹا دے تو اس پہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر خوب سارے کوئلے ڈال دیتے ہیں دہکتے ہوئے کوئلے اور اس کو چھوڑ دیتے ایک گھنٹے کے بعد پھر آ کے ہم اس میں تھوڑی سی تیلیاں ڈال کے دیکھتے کہ پک گیا ہے نہیں پکا ٹھیک ہے تو اس کو الٹا کر دیتے اور صبح ہمارے ناشتے میں یہی ہوتا ہے اس کے ہر ایک کے یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ پنیر ہوتا ہے مکھن ہوتا ہے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں اور ناشتہ بہت رچ کیا جاتا ہے ایک میں ہربل ٹی وہاں سے لے کے رکھی پہاڑوں کے اوپر کوئی پودینا اگتا ہے یا اس کو تمبورو کہتے ہیں تمبورو کہتے ہیں تمبورو کہتے ہیں تمبورو کہتے ہیں وہ بہت جس کی چائے بنا کے کعوا بنا کے پرپل کلر کے فلاورز ہوتے ہیں اس کی چائے ہر کھانے کے بعد وہ قہوہ پیا جاتا ہے اور وہ اتنا اچھا ویٹ لاس اور یہ جو ابھی پوچھ رہی تھی ہاں ویٹ لاس کے لیے بہترین ہے اس میں سیبک تھان کے پھر اس میں وہ ابھی ہم جیسے ہم لوگ جو وہاں کے لوگ ہیں جو جنہوں نے ریسرچز کیے تو ہم نے اپنے لوکل کو بتایا ہے انڈیجینس نالج انہیں سے لے کے انہیں کو بتایا ہے کہ یہ اینٹی کینسرز بھی ہے ملٹی وائٹمن بھی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ ہم اس میں شامل کر کے پھر اب ہر گھروں میں وہ پی جاتی ہے جس سے ایجنگ رک جاتی ہے ایجنگ پروسیس اور بیماریاں ختم ہونے میں ویسے نہیں ہوتی سیبک تھان میں نام بھول رہی تھی اس بوٹی کا سیبک تھان وہ بوٹی ہے جو کہ بہت زیادہ یہاں پہ اگتی ہے اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو تو وہاں جا کے ضرور لے کر آئیے گا اور اس کا کاوا بنا کے ٹرائی کر کے دیکھیے گا تین چار مہینے اس کو کہتے ہیں اسکن سرجن اگر آپ سیبک تھان کو سرچ کریں تو اس کے ساتھ آئے گا اسکن سرجن وہ اسکن کی ہر بیماری کے لیے بہت بہت افیکٹو اور میں نے تو جو کہ ٹرائی کی ہوئی ہے میں آپ کو وہی چیز بتاتی ہوں جو میں نے خود ٹرائی کی کیونکہ میری بہت زیادہ کلچرلی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمیشہ رہی ہے اٹیچمنٹ تو مجھے بڑے گفٹس آتے تھے وہاں سے بالکل کے بڑے بڑے سے میں آپ کو بتاتی ہوں اور آرگینکلی ڈرائیڈ خوبانی ہے
जो हम तो खाते नहीं। देखिए ये असल में हम शक्ल सूरत पे चले गए, जैसे आपके पास ये भी ऑर्गेनिक है, ये हमने मतलब कि वहाँ पे पत्थर पे सुखाई हुई, पत्थर पे। आप पोटेशियम में जो डाल देते हैं वो बड़ा वो उसको खराब कर देते हैं। ये शैतूत है और ये देखिए ये जो है ये पत्थर पे सुखाई हुई खुबानियाँ हैं और ये खानी चाहिए, ये खानी चाहिए। असल में हम लोग मोहताज हो गए रंग रूप शक्ल के, उससे हमने बीमारियाँ खरीदनी। बिल्कुल सही। ब्रेक लूंगी यहाँ पे मैं, अभी बातें हो रही हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर बात। बिना तेज तो गदा दे तो गशो ती मोहब्बत की सुबह। अभी आप ड्रामा सीरियल घुमंड का प्रोमो देख रहे थे और जो प्रोमो आप मॉर्निंग शो में देखते हैं उसका मतलब ये होता है कि आज रात 8 बजे भी आप ये ड्रामा सीरियल देखने वाले हैं। घुमंड ए प्लस का ड्रामा सीरियल जो हर जुमे वाले दिन आप देखते हैं रात 8 बजे। इसको लिखा जो है वो सायरा रजा ने है, आसिम अली डायरेक्टर है, इसकी प्रोड्यूसर सादिया जब्बार है और इसमें आपको सुनीता मार्शल प्रोमो में भी देख रहे थे आप और उसके साथ साथ नुमान एजाज की जबरदस्त सा ड्रामा जो है वही जो हमारी रिवायती कुछ लड़का लड़की की मोहब्बत और फिर जुदाई और फिर जालिम समाज और फिर मामलात और उसके साथ साथ जुड़ी हुई बहुत सारी दास्तानें जहाँ पर इंसान की ईगो, उसका घमंड, उसका गुरूर, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी ज़िंदगी में आ रही होती हैं। तो ये देखना नहीं भूलिएगा। हम डॉक्टर बिल्कीस के पास हैं, सारी लड़कियां उधर जाके खामोशी से बैठ गई। छुपा के रखा हुआ है कि ये कोई ड्राई फ्रूट्स बड़े इम्पोर्टेंट है वहाँ। ये मैंने इसलिए छुपा के, ये मुझसे छुपा के रखा। हाँ तुमसे ही छुपा के उधर तुम्हें खा। अच्छा ये आपके हुस्न के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर जैसे कश्मीर, चित्राल, हुंजा, गिलगित, उनकी स्किन का राज अगर आप जानना चाहें तो यही ड्राई फ्रूट्स है। अच्छा। वो वैसे अल्लाह की तरफ से कि खाते भी हैं लगाते भी। अब लगाने के तरीके मैं बता देती हूँ। ठीक है। सबसे तो पहले कि खुबानी का अगर रोजाना जैसे ड्राई खुबानी आपको मिल जाती है तो उसका जूस निकाल कर अगर उसमें, मैं बता देती हूँ क्या करना है, ये आपकी एजिंग को रोकने के लिए बेहतरीन है। ठीक है। और निखार लाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप में निखार अच्छा है तो आप कैसे यूज करेंगे, आपने क्या किया वहाँ की खवातीन चूंकि आती थी ना बहुत ज्यादा यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की जब भी एग्जीबिशन होती थी वो मुझे बताती थी कि ये जो होती है ना खुबानी ये खाती है बहुत ज्यादा और उसके जो ऑयल निकलता है ना वो लगाती है जी बिल्कुल बिल्कुल पूरी बॉडी पे। हाँ और देखिए खुबानी का इस तरह जूस बना के ना, देखिए ये खुबानी को पहले उबाल लिया जाता है, उबालने के बाद बस ब्लेंड करना, कुछ नहीं डालना। अगर आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ डालने का जैसे शौक है कि थोड़ा सा मीठा करना है तो शहद डाल दें, वरना ये फोलेट यानी फॉलिक एसिड का रिच सोर्स है जिसका मतलब ये है कि जो आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, उसका बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन इलाज है। साथ साथ आपके इन्फेक्शन बॉडी के, फॉलिक एसिड का काम है आपके बॉडी से इन्फेक्शन को दूर करना और वो खवातीन जो फैमिली वे में जाना चाहती हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन है कि वो खुबानी का जूस, इवन जो प्रेग्नेंट है उनको भी फॉलिक एसिड की गोली रोजाना खाने के लिए डॉक्टर देते हैं। अगर आप वो ना खाएं और आप इस तरह से सिर्फ खुबानी का जूस उसके लिए आपको तकरीबन 15 से 20 खुबानी का जूस जो है वो निकाल उबाल के आना पड़ेगा। अच्छा ये हम आपको बता रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान हमारा जो प्यारा सा सूबा है उसकी खाने पीने की जो कुछ ट्रेडिशन वहाँ पे। मामा जी आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मैं बादाम देख रहा है, मेरी पहुंच तो दूर हो गए जी, वो दूर रखे गए हैं। अच्छा वहाँ का मैं आपको एक तरीके से उत्तन बनाना बता रही हूँ जो वहाँ के लोग या शादी से पहले वहाँ की दुल्हने जो दुल्हन बनने वाली होती है वो क्या करती है, ठीक है, खुबानी का जूस निकाला उसमें घर से एक चम्मच आटा, घर का आटा जी बिल्कुल, और ये गंदुम का होगा जी, गंदुम का, ठीक है, थोड़ी सी चीनी मिलाई, ये बादाम पीस के रखे, ये आपने डाल दिए बादाम और अखरोट और शैतूत पीस के रखे, ये जो ये है हमारे पास जी, ठीक है, दे दो मेरे, बहुत अच्छा हुआ पहले नहीं पता चला वरना अभी तक। आप यकीन करें यहाँ पे भी जो भी हमें देख रहा है किसी भी सूबे से सारे पाकिस्तान के लिए अगर आप ये लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। यानी आपने आटा डाला जी, बादाम का पेस्ट डाला, थोड़ी सी चीनी डाली और खुबानी, खुबानी का पेस्ट जी, इससे रंग सफेद हो जाता है फराजी। मैंने भी रंग चिट्टा करने वाली क्रीम लगाई थी 6 महीने, इतना चिट्टा हो गया बाद फिर मैं अंदरों कुंडी ला के सोने लग पाया। क्यों? डर लगन लग पाया ना, कुछ चौके ना ले जाए। अच्छा ये क्या है, ये मजाक है? नहीं मजाक है, सीरियस बात बता, बहुत सीरियस है खवातीन के लिहाज से, हमारी स्किन के लिए हम बड़ा कुछ चाहते हैं करना और इसलिए हम यूज करते हैं। देखो पंजाब के हो जाए नाई ने टंगे उस तरह तेज करना जी नहीं। अच्छा
खुबानी का तेल वैसे भी अगर आप बेहतरीन 10 तेल का तस्करा करें तो उसमें खुबानी का तेल आता है, एप्रिकॉट ऑयल, ठीक है। आपने क्या करना है, खुबानी का तेल ले लेना है। ये मैं एंटी एजिंग बता रही हूँ, रिंकल्स को फ्री करने के लिए, फाइन लाइंस को सही करने के लिए आपने लेना है एक चम्मच खुबानी का तेल, ठीक है, ठीक है। आप और घर से आप यहाँ पर वहाँ पर तो उसमें वो डाल दी जाती है जैसे एप्रिकॉट डाल दिया जाता है उसमें भी विटामिन सी है, नहीं तो दूसरी जो चीजें होती हैं, लेकिन पूरे मुल्क में जहाँ देखा जा रहा है वहाँ आप इसमें लेमन डाल दें, हाँ खुबानी का तेल में लेमन डाला बस, ठीक है, खत्म, बिल्कुल आपकी आपका सीरम तैयार हो गया। अरे ठीक है, खुबानी के तेल में ताजा नींबू निचोड़ा सीरम तैयार जी, बिल्कुल ये सीरम की तरह है, ये एंटी एजिंग है। एप्लीकेशन मैं बता देती हूँ इसको अच्छी तरीके से, पहले क्योंकि पानी और तेल जल्दी मिक्स नहीं होता, आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से क्रीम की शक्ल बनाना है, इसको इतना फेंटना है कि क्रीमी शक्ल बन जाए, देखिए ये बन गया सीरम, नहीं अगर ज्यादा फेंटना है तो पंजाब पुलिस को दे देने, हम लगा सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये डॉक्टर बिल्किस ने बता रही है ना, ये चीजें सब वो है जो ऑथेंटिक वहाँ की ट्रेडिशनल क्या कहना चाहिए रेसिपीज या फिर ऐसी चीजें जो वो अपनी खूबसूरती के लिए हाँ रेमेडीज यूज करते हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो। अच्छा इसको लगाने के बाद ना आपको जो ऑयल का एक टेक्सचर होता है नहीं आएगा, चिपचिपा नहीं लगेगा, मैंने भी लगाया, लगाएं आप लोग बहुत मजे का, ये देखिए, और जो ज्यादा है ना उसको आप भी लगाएं, टैप कर ले, टैप कर ले, अल्लाह बल गया फट बार गली चला जा, मलिया ने मिला नहीं, ये बहुत मजे का है, ये गुस्सा नहीं किया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगा है, ठीक है। तो फौरन से आपके फाइन लाइंस, ऐसा नहीं हो सकता कोई जादूगरी नहीं कि फौरन ही खत्म हो जाए, लेकिन आपको मध्यम होती हुई आपको ये पेनिट्रेट जितना होगा, जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे कम खर्च में अच्छी चीज आपको मिल जाएगी, डन। अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा वो खाने आपने रखे हुए हैं जी, ये क्या चीजें हैं भाई, इनके बारे में मुझे बताएं कि ये कैसे बनते हैं, देखिए ये कैसे बन गया, और ये इस डिश को क्या कहते हैं डॉक्टर बिल्किस, एक मिनट मैं खुद देख लेती हूँ क्योंकि नाम बहुत मुश्किल है। अच्छा क्योंकि मिक्स हो गया ना काफी, ये बाजरे के साथ जो बनता है ना उसको कहते हैं चबली, हाँ ठीक है, एक कुरूस होता है एक चबली होता है, ये बाजरा है ना, नहीं नहीं ये तो गंदुम है। अच्छा ये क्या करते हैं कि गंदुम को अलग से उबाल लेते हैं, चम्मच दीजिए, उसके बाद जब इसको उबाल लेते हैं तो फिर इसको निकालते हैं, यानी गंदुम को उबाल लिया पूरा, हाँ पूरा उबाल लिया, देखिए कितना सादगी है उनके खानों में, मैं ये बताना चाह रही हूँ, हम तो खाते ही नहीं इस तरह, हाँ अब ये मतलब कि अगर जो देखने वाले होंगे बोलिए ये कौन खाएगा, लेकिन जो ये खाएगा वो फिर लंबी उम्र पाएगा, बिल्कुल सही, और सेहत एनर्जी, ठीक है ठीक है। इसके बाद इसमें जो है फरा अभी डॉक्टर साहब बात कर रही थी कि कितने सिंपल खाने, जितना सिंपल खाना होगा मेरे ख्याल से वो उतना बेहतर होगा। पंजाब का भी एक कल्चर देख लें कि पंजाब में भी यही दलिया गंदम इसी तरह की चीजें, अगर शलजम है तो शलजम, नहीं तो आलू, और ये सालन बनाने का बहुत आसान तरीका है, इसमें आपने एक छोटी सी प्याज लेनी है, उसको लाल करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो चिकन है उसको उसमें ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपने सारी चीजें जी बिल्कुल, लेकिन इसकी एक एक जो चीज है इसमें, चिकन खाते हैं वहाँ, चिकन होता है जी जी बिल्कुल, ज्यादा मटन नहीं खाते हैं, ज्यादा मटन खाते हैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ तो याक और याक का गोश्त बहुत गर्म होता है, वो फिर सर्दियों में खाया जाता है, अच्छा सर्दियों में खाया जाता है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वो याक के दूध की बनाते हैं, चाय जो होती है उसमें, और मक्खन भी बनता है। अच्छा इसके बाद इसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एप्रिकॉट ऑयल डालते हैं, अच्छा सारा खुबानी का तेल, इसके खुबानी का तेल बहुत ज्यादा इसमें डाला जाता है, देखिए पकाने में इन्होंने कुछ भी इतना तेल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब पक गई डिश बन गई उसके ऊपर या तो जैतून का तेल या मक्खन पिघलाकर या एप्रिकॉट ऑयल ये डालकर फिर ये खाया जाता है, और ये वहाँ की पसंदीदा डिशों में आता है कि लोग पसंद करते हैं और नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छा जी अब और क्या चीज बताने लगी हमें, अच्छा सालन का नाम आपने बताया चिबली, जी जी इस सालन को कहते हैं चिबली और साग को कहते हैं चबल, चबल नहीं हमारे मतलब चित्राल में इसको बाज का बाज कहते हैं, हम बाज बिल्कुल सही, अलग अलग वहाँ के लोगों के बाल भी बड़े खूबसूरत होते जी, बड़े सिल्की होते हैं, बड़े स्मूथ होते हैं, बड़े शाइनी होते हैं, बड़े काले होते हैं,
उसमें क्या कोई खास चीज खाने में है जो कि जो इस तरफ उनको लेके जाती है? हाँ, खुबानी का तेल है और खुबानी को ही पीस मजाक नहीं है, वाकई खुबानी का तेल जो है बेस है उनकी हर चीज। आई स्वेयर मैं इनके खुबानी के तेल से इतना मुतासिर हूँ, अब मैं गाड़ी में भी जाके खुबानी का तेल डलवाऊंगा। नहीं, ये जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए बहुत अच्छा है, आप उसके लिए खुबानी का तेल इस्तेमाल। ये देखे इन्होंने ज्यादा, एक पर लगाते हैं सारा परिंदा लुंडा करता है। चलिए जी, ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत सा कल्चर, साथ रहिएगा। सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी फेस्टिविटी को, उसकी खुशियों को। और आजकल के मौसम में गर्मियों की छुट्टियों में मुझे यकीन है बहुत सारे लोग तो घूमने फिरने भी गए होंगे, अपनी आंखों से भी देख के आएंगे कितना खूबसूरत है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जिंदगी की उस खूबसूरती की जो जिसमें अगर सेहत ना हो तो वो नहीं बरकरार रह सकती है। खासतौर पर प्यारे प्यारे से बच्चे जिनकी सेहत के लिए जरूरी है कि हम उनके हाथ अच्छे से धुलाएं। और यही मैसेज है सेफगार्ड का जो कहते हैं कि बच्चों को तो नहीं रोक सकते, जर्म्स को रोकना है ताकि वो अपनी जिंदगी का, उसका बचपन, उसकी जो सारी फेस्टिविटी है भरपूर तरीके से इंजॉय कर सके सेहतमंद रहते हुए। सो हमारे साथ है हमारी बहुत प्यारी सी इस वक्त मुस्कुरा जुनेद। मुस्कुरा, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं? हाँ जी, मैं प्रोफेशनल। वेरी गुड। और इसके साथ साथ आप एक फेसबुक ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं जो बेबीज एंड बम्प्स नाम है, और वहाँ पे आप सब अम्माओं का एक ग्रुप है। बिल्कुल। हाँ, जो आप इसमें एक दूसरे के साथ दुख सुख करते रहे। बिल्कुल ऐसे ही। गुड। और ये पलवशा है? जी, ये पलवशे। वेरी गुड पलवशे, आप कोई ड्राइंग करेंगी? पलवशे खेलती है? यस, बताओ। वेरी गुड, कौन सा गेम खेलती है पलवशे? पलवशा होता है या पलवशे? पलवशा होता है, बट शी इज पलवशे। वेरी गुड, ये वाला गेम आता है आपको? वे वेरी गुड। चलो हम कलर करते हैं, इसमें उंगली डिप करो, इसमें उंगली डिप करो। वेरी गुड, अब यहाँ पे करो ऐसे। ओ, इतना प्यारा येलो कलर। देखो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में कितने प्यारे प्यारे कलर, हम सारे वो कलर लगाएंगे। और अब ब्लू कलर, गुड, इतना प्यारा सा ब्लू कलर भी लग गया भाई। ये तो आपने ब्लू कलर से क्या बनाया, क्या बनाया आपने ब्लू कलर से, इतना प्यारा बनाया। अब दूसरी फिंगर से, दूसरी फिंगर से लगाओ वरना सारे कलर मिक्स होते जाएंगे ना। वेरी गुड, अब ग्रीन कलर का ग्रास बनाते हैं हम यहाँ ऐसे। ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत से कलरफुलनेस जो है वो इस वक्त पलवशे यहाँ पर बना रही हैं। सारे रंग वहाँ पर हैं, झीलों के ब्लू रंग, पहाड़ों के सब्ज रंग, सूरज का पीला रंग, और उसमें अब हमने फ्लावर्स बनाने हैं ऐसे। और वो फ्लावर बनेंगे छोटे छोटे से, इसमें छोटी वाली फिंगर से, ठीक है ऐसे। वेरी गुड, रेड कलर के इतने प्यारे फ्लावर्स, नहीं उसे खुद बनाने दें। Let her create her own style. वाह, वाह पलवशे, ये फ्लावर है? और फ्लावर बनाने हैं पलवशे ने? एक ये रह गया, आपने वोट नहीं डाला ना। चलो हम आपसे वोट भी डलवाते हैं आज, ठीक है? आज अब तो गवर्नमेंट बन गई, लेकिन हम बच्चों का एक वोट डलवाते हैं कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, ठीक है? चलो जी, थाम, अब यहाँ पे पलवशे लगाएगी एक वाला सा, थाम। वेरी गुड, ये देखे जी पलवशे के स्टाइल के लिए तालियां आने पहले। इतना प्यारा प्यारा पलवशे ने, ओहो हाथ गंदे हो गए आपके, कोई बात नहीं हम अभी आपके हाथ धुलवाते हैं, इसलिए कि नुमान आए हुए हैं सेफ गार्ड से। आ जाए पलवशे, पलवशे के पाले पाले से हैंड जो अभी वॉश हो जाएंगे, आ जाओ हैंड वॉश करते हैं। पलवशे मेरे साथ कर लेगी, मम्मा का आना जरूरी है, अभी इतनी भी नहीं फ्रेंडली हुई थी। अच्छा, हाथ धोएंगे हम जी, जी। और सेफ गार्ड के हाथ धोने के अपने स्टेप्स हैं जो कि पलवशे फॉलो कर लेगी। सबसे मैं यहाँ बताता हूँ, सेफ गार्ड लिक्विड हैंड सोप बार सोप के मुकाबले में ज्यादा हाइजीनिक है और 99.98% जर्म्स से प्रोटेक्ट करता है। तो आइए आज हम हैंड वॉशिंग के 10 स्टेप के साथ हैंड वॉश करते हैं। चलिए जी पलवशे, हैंड आगे करो। वेरी गुड बेबी, पलवशे के लिए तालियां दी। हैंड वॉश कर रहे हैं, पहले अच्छे से हैंड वेट करेंगे हम ऐसे। वेरी गुड गर्ल, और अब हम सेफगार्ड डालेंगे। गुड। अच्छा वो 10 स्टेप्स कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो 10 स्टेप कौन से हैं, ठीक है? पलवशे अंकल जैसे कर रहे हैं ऐसे करो, ऐसे 10 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऐसे करें, वो से आपको ज्यादा स्टेप्स आते हैं वो मैं देख रहा हूँ मैं।
आप बच्चों को सारे स्टेप्स आ गए। सेकंड ऐसे करें, शाबाश। ऐसे ऐसे पल बच्चे, ये देखो ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे, ऐसे। अच्छा ये देखो तीसरा स्टेप बेटा, ऐसे। वेरी गुड। फोर ऐसे ऐसे। गुड गर्ल पलवशे, इज अ वेरी गुड गर्ल। भाई वाह। सिक्स, वाह भाई वाह। सिक्स ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे पलवशे, ऐसे गुड पलवशे, ऐसे पलवशे। देखो ये देखो, लुक एट मी। और ये सेफ गार्ड के स्टेप्स हैं, ये देखो। और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। देखो पलवशे, यू यू एक्शन, वेरी नाइस, वेरी गुड। और ये 10 चले जी। लेकिन पलवशे ने वेरी गुड जी, अच्छे से हाथ धोने, सेफ गार्ड के ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से इतना जो है ना, बच्चों के जहाँ पर भी हाथों में नेल्स में इधर उधर लगा होता है बहुत सारा गंद बाजू का, जो बिल्कुल साफ हो जाता है। हालांकि पलवशे ने थोड़ा सा अपने मुंह से हैंड वॉश किए, फिर भी कितने पॉलिश से साफ हो गए हैं, है ना। चले जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मेरे को बुला दो यार, मेरे भी हाथ धुला दे, इसे बच्चों के हाथ धोने के लिए थोड़ी है। सेफ गार्ड तो हर एक, मैंने तो अपने किचन में रखा हुआ है कि जो मेरी मेड है उसके लिए एक वो है कि तुम और कुछ करो ना करो, तुमने जब खाना बनाने के लिए किचन में दाखिल होना, भले तुम अभी हाथ धो के आई, तुमने एक दफा सेफ गार्ड से हाथ धोने, उसके बाद तुमने किचन में जाना। अच्छा आप तो खुद कार्डियोलॉजिस्ट है माशाल्लाह, लेकिन माँ भले डॉक्टर भी क्यों ना हो, बच्चों की सेहत को लेकर एक डर ज्यादा, बल्कि बीइंग अ डॉक्टर बंदा जरा ज्यादा इंसान ना कॉन्शियस होता है, अप्रिहेंसिव रहता है। छोटी सी से फ्लू हो जाए तो आपको अगली बीमारियां भी याद आने लग पड़ती है कि वो तो नहीं हो गया, ऐसा ही है कि वो तो नहीं हो गया, अब ये तो नहीं हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाए। अच्छा तो फिर आप कैसे, आप समझती हैं बच्चों को लुक आफ्टर करने में, कैसे आप अपने बच्चों को महफूज रखने में, आपकी क्लीनलीनेस का बहुत मैं करती हूँ ख्याल, कि ठीक है जो कर रहे हैं करते रहें, जो खेलना है खेल लें, लेकिन फिर वॉश करा दूँ, नहला दूँ, हाथ वॉश होने चाहिए, जहाँ पे खेल रहे हैं वो जगह, मतलब जिस तरह ये मट्टी में खेलते हैं समटाइम्स, पेट्स के साथ खेलते हैं तो उसमें तो जर्म्स का तो लगने ही है, लेकिन बाद में पोस्ट प्ले फौरन नहला देना है, खिलात मतलब फौरन साफ कपड़े पहना देना। बिल्कुल सही, जैसे पलवशा ने इतना प्यारा से यहाँ पे डिजाइन बनाया और सेफ गार्ड ने फौरन से हाथ साफ कर दिए, हमने इतना फन भी कर लिया, हमने अपना प्यारा सा गिलगित बल्तिस्तान का एक इतना खूबसूरत सा डिजाइन भी बना लिया, और उसके बाद हमारे हाथ भी साफ हो गए हैं पलवशे। हाथ धोना तो पलवशे का फेवरेट काम है। अच्छा एवरी संडे शी मतलब वो लेके आती है एक सेफ गार्ड और अपने पास रखती है, बाथरूम में खोल के रखती है। वी हैव ए होल वैरायटी ऑफ कलर्स ऑफ सेफ गार्ड, जिस कलर का सेफ गार्ड आता है ना वो हमारे पास है। अच्छा आपको भी डर लगता है तो इसका पेट खराब होता है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा बच्चों की अमवात जो है वो सिर्फ डायरिया की वजह से हो जाती है, और डायरिया बहुत आराम से अवॉइड किया जा सकता है हाथ अच्छे से, हाथ अच्छी तरह। और आजकल मौसम ऐसा है, प्लीज अपने खाने पीने की चीजों का बहुत ख्याल रखें, कवर करके रखें, गली सड़ी चीजें नहीं खाएं, ताजा चीजें इस्तेमाल करें, पानी के पीने का जो पानी है उसको साफ उबाल के एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, बच्चों के हाथ जरूर साफ रखें, है ना। बच्चों के हाथों से सबसे ज्यादा ट्रांसफर होते हैं जर्म्स, अगर हाथ धुले होंगे किसी भी अच्छे एंटी बैक्टीरियल से, जैसे कि सेफ गार्ड है इजीली बच्चों के लिए अवेलेबल है उसके अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर भी, तो बच्चों के लिए हाथ धोना बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाएंगे। नुमान थैंक यू सो मच, थैंक यू सेफ गार्ड, और आपका भी शुक्रिया मिश्रा एंड बलवशे, थैंक यू पलवशे, थैंक यू थैंक यू। अच्छा पलवशे हमारे साथ डांस करेगी, आओ हम पलवशे को डांस करना सिखाएं। नहीं जी पलवशे डर रही। सो हम वापस चलेंगे अपनी फेस्टिविटी की तरफ, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं अपने प्यारे से सूबे गिलगित बल्तिस्तान की, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, और जब हम वापस आएंगे तो वहां के रस्म रिवाज में एक और बड़ी खूबसूरत सी बात है जिसका तज़किरा होगा। लड़कियों ने ज्यादा अच्छा फॉलो किया है लड़कियों के डांस को के लड़कों ने, पहले लड़कों के लिए तालियां। अच्छा लड़कियों ने ज्यादा अच्छा किया है, क्या किया लड़कियों ने? मैं आपको बताता हूँ ये आप क्या किया, घर बुला के मेहमान कहते हैं कि जी हाँ वहाँ आपको अंदाजा हो सकता है कि यहाँ पे कितने लड़के हैं। नहीं। अच्छा अब आ जाओ, अब हमने करना है ये एक एक अंडा है, ठीक है
السلام علیکم. ہم دونوں گائیڈ ہیں، یہ علاقہ ہمارا ہے، آپ نے جدھر گھومنا ہے ہم سے پوچھنا ہے، گلگت دیکھنا ہے، ہنزا دیکھنا ہے، دیوسائی دیکھنا ہے یا ساڈا منہ ویکھنا ہے؟ میں نے دیوسائی پلینز میں جانا ہے، مجھے وہاں کے براؤن بیئرز دیکھنے کا بڑا شوق ہے. اچھا دیوسائی جانا ہے؟ اے خدا دا واسطہ مینو نال لے جائیں، میں بھی نہیں ویکھیا لیتا. میں نے میں نے میں نے فیری میڈوز بھی جانا ہے، مجھے فیری میڈوز دیکھنے کا بھی بڑا شوق. فیری میڈوز؟ ہاں. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ فیری میڈوز کا نہیں پتا. چپ رہا بھائی. اچھا جی یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس. میں نے کیٹو کے بیس کیمپ میں بھی جانا ہے. کیٹو کے بیس کیمپ میں بھی جانا ہے؟ میں نے شگر فورٹ بھی جانا ہے. میں نے بدھا روکس بھی جانا ہے. دیکھیں وہ بہت دور ہے، اب آپ کو کیمپ جیل لے جاتے ہیں. یہ اردو سنا آپ نے؟ ایسا لڑکی پہاڑ پہ چڑھ کے اردو بولتا ہے، وہ کیسے؟ ہم نیچے کیسے اتریں گے یار؟ ایک تصویر کھینچنا، تصویر بناؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرح جی کا جھمکا کتنا پیارا آ رہا ہے، پورے منہ کا تصویر بنانا ہے. اچھا خالی جھمکا نہیں. چلو تم نے میرا جھمکا دیکھ لیا؟ لے میں آپ کے بالوں کے اندر سے دیکھ لیا. یہ آپ گائیڈ ہو کہ کیا ہو؟ میں تصویریں کھینچتا جی، تصویر. ماشاء اللہ بھائی، تھوڑا سا نیچے ہو بھائی، تھوڑا نیچے ہو، تھوڑا اور نیچے ہو، اب ٹھیک ہے. قبر کی عذاب کتاب پہ لگانی. کتاب کا نام لکھنا ہے قبر کا عذاب، اوپر ساتھ کا تصویر لگانا ہے، ساتھ لکھنا ہے اندر ایسا بچھو ہوگا. واہ واہ. اچھا وزر دیکھنا ہے، یاسین دیکھنا ہے، کدھر آپ نے کوئی علاقہ بتاؤ کون سا دیکھنا ہے؟ یہ دیکھو یہ پورا نقشہ ہے بھائی، آپ کیسے دکھائے گا؟ لے کے جائے گا یہ دیکھو، یہ نقشے میں ہی دکھائے گا، اور کہیں نہیں دکھائے گا. میں نے فیری میڈوز دیکھنا ہے نا، بتایا ہے. یہ دیکھو باجی، یہ ہے فیری میڈوز. تو میں نے یہاں تو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے. تم پہلا ادھر تو ہم بھی نہیں گیا. یہ دیکھے یہ افغانستان کا بارڈر ہے. اچھا ادھر اب باڑھ لگ رہا ہے. افغانستان کا بارڈر ادھر کدھر آ گیا؟ یہ لہدا بخار ہے نا، تسی اتھے جانا. ادھر تو چائنا کا بارڈر لگتا ہے. اچھا چنجراب لگتا ہے چائنا کا، اورمچی والی سائیڈ ہے. یہ سارا نقشہ پاکستان کا نا. ہاں جی یہ گھومو جہاں دل کرتا ہے. یہ نا دیکھیں گلگت بلتستان اسکردود. یہ دیکھو یہ آپ چلے گئے ہیں پپرک پاس پہ. ہاں جی نہیں نہیں نہیں، تو ہمیں بھی نہیں پڑھنا آتا. یہ لکھا ہے پہلی پا رے پپرک پاس. میں نے کیا بولا؟ آپ نے بولا پاپڑ پاس. اچھا اچھا ویری گڈ جی. یہ ہمارا علاقہ ہے، جس نے آنا ہے ہمارا خدمت ادھر حاضر کرو، ہمارا نمبر لکھو، ہم کو پون کرو، جدھر جدھر گھومنا کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ ہم آپ کو ادھر گھمائے گا، علاقہ دکھائے گا، اپنی ثقافت دکھائے گا، ادھر کا جانور دکھائے گا، وہ والی چڑیا دکھائے گا جس کا سب کا پوچھر لگا ہوا ہے ہمارے سر پہ. اپر کچورا لیک دکھائے گا؟ اپر کچورا لیک دکھائے گا؟ میرا منہ ہے گا گلا پوچھنے والا. اور وہ جو تو زیادہ تو زیادہ ہے کہ میری خالہ دا بائی پاس ہویا، میں انہوں ملن جا رہے ہیں. خالہ میری سوئی چاہیے. اپر کچورا سنو لیپرڈ، سنو لیپرڈ جو کہ بہت دنیا میں ریئر ہیں اور وہاں پہ پائے جاتے ہیں، دکھائیں گے؟ ہاں جی دکھائیں گے، اس کا تصویر دکھائیں گے آپ کو. تصویر؟ ہاں زندہ نہیں ہو، پھڑ لے گا کون ذمہ دار ہے. اور اور ڈیئر سائی پلینز میں ہمیں براؤن بیئرز دکھائیں گے؟ براؤن بیئرز تو دیکھے نا کبھی؟ براؤن بیئر اے ہوندا کی ہے پوچھ تیرا؟ براؤن بیئرز نو، وہ جڑا رچ ہوندا ہے، رچ رچ اے دیکھ لو، یہ وائٹ ہے، یہ وائٹ ہے. چلے چلے جے رچ تے نیولی دی لڑائی ویکھنی ہے تے چلا بھائی ساتھ بھائی اگیا. نہیں 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 چلے ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے پیارے سے گلگت بلتستان کا کلچر فیسٹیویٹی، ان کا ایک لائف جو کہ ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بریک کے لیے رک رہی ہوں گائیڈ صاحب، پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید جناب. گلگت بلتستان کا خوبصورت کلچر، اور یہ ہمارے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نظارے وہاں اتنے ہیں کہ آپ جائیں تو دم بخود رہ جائیں گے. جسے کہتے ہیں نا بریتھ ٹیکنگ بیوٹی، وہ اسی علاقے کے لیے ماشاءاللہ سے ایسی پربت، ایسی چوٹیاں، ایسی وادیاں، ایسے حسین نظارے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے دیے. اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، خوشحال رکھے. آنے والی حکومت جو ہے ہمارے ملک کے لیے بہت سارے اچھے اچھے کام کرے. وقت کی اجازت لینے کا ہو گیا، جاتے جاتے مقابلہ ایک کرنا ہم نے. سب کے ہاتھوں میں انڈے، اب دیکھتے ہیں مارنے نہیں ہے. انڈے سارے کو لے گئے، ککڑیاں نے سارے پرچا کراتا ہے.
ये है अंडे तोड़ने का मुकाबला, अंडे तोड़ने का मुकाबला। चले एक 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 पहले आप दोनों का आपस में मुकाबला देखते हैं। आप अंडा रखें, रखें ऐसे रखें, रख लिया। अभी देखते हैं कौन लगे टूटा हुआ। हाँ चेयर अब, हाँ ये अब आप रखें, नहीं अब आप रखें, अब आप रखें, अब आप रखें। चले जी भाई जल्दी से नमक ले आओ, डालें उसको। आप ऐसे नहीं होता, अंडे का मुकाबला बकायदार ऐसा बात रखे रखे इसका टूटा मुहारा। फरा मैंने मुर्गियों का मुकाबला तो सुना था, ये अंडे का रखे शके नहीं होता। चले चले रखे शके नहीं होता, चले चले टूट के बताया। ये देख के कम, ऐसा होता है कि अपने अपने अंडों को बचाना होता है, ऐसे नहीं कि आपने इन्होंने पकड़ा तो आपने मारना। ये देखे मारे तरफ, अच्छा ये नहीं ऐसे थोड़े कि यूं मारोगे तो आप बचाओ। अच्छा क्या बचाते, ये पता कौन सी गेम कह रहे हैं, ये पकड़ो ऐसे ये निशाना मारे, पता कौन सी गेम कह रहे हैं। चले अच्छा अच्छा ये देखो, चले जी इस तरह करना है आप भी लाए लाए लाए। चले एक मिनट ना, ये वो तेरे को दो के होने चोरी की चाहिए। चल 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 चल। दो मिनट की ब्रेक है, डेढ़ घंटा ही नहीं कर रही है। बचाना बचाना बचाना। चलो 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 अंडा तोड़ा आज कैसे भी तेल है। एक अंडा बच गया, जुनेद एंड डॉक्टर बिल्किस। चले भाई मैं तो कहता हूँ इधर तोड़ लो अंडा। ये क्या अच्छा ये सब तो अपनी जगह। अच्छा ये देखें अंडा भी सिल्वर है, लग रहा साथ नहीं देता। चले अब बस कर रहे हैं, अब हम वाइंड अप करने लगे अपने इस खूबसूरत से हमारा कल्चर गिलगित बल्तिस्तान का। क्योंकि बहुत ज्यादा उसके बारे में रिकॉर्डेड नहीं है, पता नहीं है कि क्या चीजें वहां पर होती है, हमने कोशिश की है कुछ उन चीजों को आपके सामने लेकर आ सके, लेकिन इसके अलावा इतना कुछ है। आप खुद जरूर जाएं, अगर गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने में कुछ दिन है अभी तक नहीं गए हैं तो कोशिश करें जाकर वहां घूम। कौन कौन गया है वैसे, आप में से कौन कौन गया है वहां, गई है कहां गई है, माइक दे जल्दी से, कहां पे घूम के आई है, हां कौन से माइक दे, कौन से इलाके में गई हैं आप। गिलगित कर दूं तो वहाँ सबसे अच्छी चीज क्या लगी है? मुझे अत्तापार झील बहुत प्यारी लगी थी, वहाँ से क्रॉस करके जब हम गए थे, काफी साल हो गए लेकिन बहुत खूबसूरत मनाजिर थे वहाँ के, मतलब वहाँ जाओ तो बंदा भूल ही जाता है वापस आना, इतना खूबसूरत। वहाँ पर एक खेल भी होता है बाजी, तुसी ते घूम के आ गए हो ना, मार खोर लग रहे मेरे सिंह बाजी होनी रह गए। अभी मारिया और मारिया संदल और इनको चैलेंज है, ये गेम होता है जो वहाँ पे खेला जाता है, लड़कियाँ खेलती हैं। आ जाए गेम ये होता है कि जैसे ये पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में खेला जाता है, ठीक है। ये आपने फेंका, आपने एक एक करके उठाना है, एक एक करके। ओह राइट, और कितना अच्छा आपकी परफेक्शन, आपने तो बहुत अच्छा। चले हाँ एक हाथ से उठाना, एक हाँ एक गिराना, एक उठाना, हाँ दो चले चले। अरे यार अब बारी आई रेस की, चलो रेस गिर गए, ये नहीं ऐसे नहीं, ये देखो नीचे हाथ, हाथ पहले नीचे जा। मैं खेल सकता हूँ, लड़कों में से अब ये तो हम तो शैतान को मारेगा ना भाई वाजिद भाई। नहीं नहीं तुम अपना खेल के दिखाओ, ये देखो दी हाँ यार तुम क्यों खेल रहे हो।
अच्छा फिर उसके बाद दो दो भी उठाने होते हैं। अच्छा ये पांच तक जाना होता है ना। इसको क्या कहते हैं भला फरा? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बट्टा चोरी। बताएं डॉक्टर साहब इसको क्या कहते हैं? हम लोग ये गेम खेलते हैं लेकिन इसके लिए इस तरह बैठने से नहीं होगा ना, बैठने का तरीका आपके पास सही। अब खेलेंगे तो खेलेंगे। नान तो कुलचे मंगा लो। चले नान कुलचे रहने दो। मैं कहना गिटका मंगा लो, मैय तो नहीं परेशान हो। ये ये देखें। चलें देखते हैं कौन। आखिरी बंदा रह गया जुनैद। इथे तू इथे बह के बट्टे चुकी जाई, घर का खर्चा ना चुकी। मुझे इसका नाम चाकोट है। इसका नाम चाकोट है और सबसे अच्छा चाकोट मैंने खेला ना। ये मैंने बचपन में खेली हुई है। मैंने भी बचपन में खेला। तुम्हें इज्जत कटाई।